इस बरसात में मेडिकल कॉलेज के जमीनी स्तर पर हुए विकास की खुली पोल चंद घंटों की बारिश में बन गया तालाब, मरीजों के तीमारदारों को गंदे पानी से होकर मजबूरन पड़ा निकलना, करोड़ों के कई कार्य यहां बेहतर इलाज को कराए गए पास, पर जलभराव से फिर भी नहीं मिली निजात, हर बार बरसात में होता यही हाल, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज परिसर में चंद घंटों की बारिश में जलभराव हो गया, अक्सर बरसात के दिनों में यहां यही हाल हो जाता है, मरीजों के तीमारदारों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा, क्या ऐसे स्वस्थ रह पाएंगे यहां आने वाले लोग। बताते चले मेडिकल कॉलेज परिसर में चंद घंटे की बरसात होते ही जलभराव की समस्या हो गई, यहां आने वाले मरीजों के तीमारदारों को गंदे पानी से होकर निकलना पड़े, बताया गया हर बार बरसात के सीजन में यहां यही हाल रहता है, यहां बेहतर इलाज के लिए करोड़ों की योजनाएं पास हुई पर फिर भी जमीनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया, यही कारण है यहां जलभराव की समस्या हर बार बरसात के सीजन में होती है। अब सवाल यह उठता है, यहां जलभराव के गंदे पानी में होकर निकलने वाले लोग क्या स्वस्थ रह पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। मेरा नाम रामजी लाल है सर। सुबह से बारिश हो रही है, किस तरह की समस्या आ रही है? अरे समस्या साहब, मैं पहले तो अपने बाढ़ से ही निकल के आने में बहुत दिक्कत हुई, गड्डी गड्ढा, और हमारा पार्षद जो नंगला बेसिन का है वो कुछ नहीं कर रहा है, और नंगला बेसिन में बिल्कुल एकदम सही काम कराता है, और इधर मैं हॉस्पिटल की तरफ आया हूँ बच्चों के पास, तो सब जगह पानी पानी दिख रहा है, नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं। नरेश कुमार। नरेश जी, बारिश हो रही है और जलभराव है, क्या कहना है इसका? जलभराव कल से बारिश हो रही है, गलियों में पानी भर रहा है, सड़क से ऊपर पानी जा रहा है, कोई साफ सफाई का बोली नगर निगम ध्यान दे रही है, और बच्चे स्कूल जाते हैं आज दिन गिरते रहते हैं। कहाँ कहाँ पर जलभराव है? ये हमारे मियाँपुर गली नंबर 2 सीएजन डिग्री कॉलेज के पीछे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। मेरा नाम पंकज कुमार है। पानी की समस्या है, तो किस तरह का यहाँ पर जलभराव वगैरह? ये लगातार कल से बारिश हो रही है, और इसमें अगर नगर निगम पहले से सतर्क रहता तो ये जलभराव की स्थिति ना आती। मैं अगर अभी नगर निगम गया था काम कराने, तो वहाँ रोडों पे भी जलभराव है, और ऑफिस में भी भरा हुआ है जल, जिससे गए थे वो यहाँ होल पास भी खुले हुए हैं, तो वहाँ गड्ढे में गिरने की स्थिति हो गई थी, एकदम अचानक बचे उससे।